हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की यूपी बोर्ड की मैथ बुक का चैप्टर 2 वर्गमूल की एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह है 0.016। हमें इसका वर्गमूल निकालना है 3 स्थान तक, तो हम निकालेंगे पहले 4 स्थान तक। 0.16 हम लिख लेंगे, फिर इसके आगे हम उतने 0 लेंगे जिसके कि हमारे 4 पैर बन जाएँ। देखिए 2 तो ये बन गए, ये देखिए 4 पेयर बन गए हैं और ये अकेला। चलिए अब इसका वर्गमूल लेते हैं। पहले ये जाएगा 0 से ही जाएगा, 0 0 कर देंगे, फिर हम 0 1 उतारेंगे, फिर यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि 0 1 उतार लेंगे। फिर देखिए 1 है, 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 से ही काटेंगे हम। 1 1 1, ये 0 बच गया। अब उतार लेंगे 60। 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये कटेगा फ्रेंड 22 से, 22 2 का क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, ये 44। अब इसे घटा देंगे तो बच जाएगा 16। अब अगला पेयर है हमारा 00 का, अब ये उतार लेंगे, 2 से करा था 2 प्लस कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 24। अब आगे की डिजिट का पता लगाएंगे, अब आगे भी जाएगा 6 से, 2 4 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आ जाएगा, 1 4 7 6 7 6। अब इसे हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 124। अब लास्ट पेयर हमारा 00 का, ये भी उतार लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करा था हमने, 6 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 12, 4 और 1 5 और 2, ये हो गया 252। अब देखिए ये जाएगा हमारा 4 से जाएगा, 4 से 4 का क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 9 6 9 6। अब हम इसे घटा देंगे, हमारा बच जाएगा 2304 बच जाएगा। अब देखिए हमारे 4 स्थान तक निकल गया है 0.1264। अब हमें 3 स्थान तक निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 है ये, 5 से कम है, तो इसका राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा 0.1 26, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 3rd पार्ट है, इसमें भी हमें 3rd स्थान तक निकालना है, पर इसमें अपॉन में दे रखा है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें पॉइंट में निकाल लेंगे। ऊपर 5 है, पहले हम इन्हें डिवाइड करेंगे, 5 से 12 नहीं जा पाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, क्या आ जाएगा, 12 4 48, 2 बच जाएंगे, पॉइंट लगा रखा था हमने, फिर हम 0 बढ़ा लेंगे, फिर 12 1 सही जा पाएगा, ये 12 1 12, फिर 10 में से 2 गए 8 बचे, फिर देखिए फिर हम पॉइंट लगा कर 0 लगा लेंगे क्योंकि 8 नहीं जा पाएगा, तो फिर ये हो गया 72। फिर 8 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगी, फिर 6 से जाएगा 72, फिर क्या कहते हैं 8 बच जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें 3rd स्थान तक निकालना है, तो हम उत्तर निकालेंगे पॉइंट के बाद कि हमारे 4 पेयर बन जाए, तो देखिए 1 2 पेयर भी बन गए, हम ये हमें 2 और बनाने हैं, फिर 80 लगा लेंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 बच गए, फिर पॉइंट लगा कर 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 12 6 72, फिर 8 बच गए, फिर 0 लगा ली, फिर हो गया 12 6 72, फिर 8 बच गए, फिर 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 12 6 72, फिर 8 बच जाएगा। ये देखिए कितने पैर बन गए, 2 यहाँ बन गए थे, 2 ये और 2 ये, तो क्या आया है हमारा 0.416666666।
अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी उसी तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। ये ज़ीरो से ज़ीरो जाएगी, पहले ज़ीरो बच जाएगा, फिर हम 41 उतार लेंगे। 41 से पहले पॉइंट है तो हम पॉइंट लगा लेंगे। फिर देखिए ये 41 है तो ये जाएगा 6 6 36 है, फिर बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, फिर हम उतार लेंगे 66। 6 से मल्टीप्लाई करा था 6 और 6 क्या हो जाएंगे 12। इसके आगे की डिजिट हो जाएगी हमारी 124, 4 का क्या आ जाएगा 496। फिर से माइनस करेंगे, फिर हमारा बच जाएगा ये 70 बच जाएगा हमारा। फिर 70 में से अगला पेयर 66 का है, फिर 66 हम उतार लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करा था 4 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 128। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स आएगा, इसका आ जाएगा 5। 5 का क्या हो जाएगा 6425। फिर इसे हम माइनस करेंगे, इसे माइनस करके आ जाएगा 641। फिर लास्ट पेयर है हमारा 66 का, ये फिर उतार लेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करा था फ्रेंड्स तो हम इसे 5 प्लस कर देंगे, फिर हो जाएगा 1290। 1290। अब इसका आगे की संख्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। 4 का क्या आ जाएगा 516 1616। फिर हम माइनस कर देंगे इसे, फिर हमारा बच जाएगा 12550 बच जाएगा। देखिए फ्रेंड सारे पैर हमारे ख़त्म हो गए हैं। क्या बचा क्या हमारा, पहले 0.6454। अब देखिए फ्रेंड ये 5 से कम है तो फिर इसका राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.645 ही रहेगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमें होल में दे रखा है तो हम इसे पहले फ्रैक्शन में कर रखेंगे पूरा। क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे। 12 का हो जाएगा 24, 24 और 1 25/12। अब इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 12 25 बीच में रहेगा 12। 12 2 24, एक बच गया, नहीं जा पाएगा पॉइंट लगा के, ज़ीरो लगा लेंगे हम। देखिए फिर भी नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर हम एक ज़ीरो लगा पाएंगे तो ये हो जाएगा 12 8 जा हो जाएगा फ्रेंड, 12 8 जा हो जाएगा 96। 4 बच जाएंगे हमारे, फिर ज़ीरो लगा लेंगे हम। अब ये जाएगा 12 3 36 है, फिर 4 बज गए, फिर ज़ीरो लगा लेंगे। 12 3 36, फिर देखिए बार बार 4 बचे जा रहा है तो आगे हम क्या करेंगे, 3 से ही कट पाएगा तो 3 लगाते रहेंगे हम आगे। कितने 4 पेयर बनाना है पॉइंट के बाद, 2 3 और लेंगे। देखिए तो फिर हमारे पेयर पूरे हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा 2.08333333, ये 4 पेयर बन गए 2 अकेला। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए पहले ये 2 है, देखिए फ्रेंड ये 2 है, सबसे पहले ये जाएगा 1 1 1, ये 2 बच जाएगा, हम 08 उतार लेंगे। यहाँ पर ये 1 बचेगा 1, ये हो गया हमारा 108। देखिए 08 से पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे, 1 और 1 के हो जाएगा 2। अब इसका आगे की संख्या होगी 4 होगी, 4 का क्या हो जाएगा 96। अब इसे माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा हमारा 12। अब उतार लेंगे 33,
फोर से मल्टीप्लाई करा था, फोर प्लस कर देंगे इसमें, ये हो जाएगा 28। 28 के आगे आएगा फोर, ये फोर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 1136। अब इसे माइनस करेंगे ये हमारा बच जाएगा 97। फिर 33 हम उतार लेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करा था तो फोर प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 288। अब इसके आगे की संख्या का पता लगाएंगे फ्रेंड्स, के आगे आएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8649। अब इसे माइनस कर देंगे, इसे माइनस करके आ जाएगा 1084, ये हमारा माइनस करके बच जाएगा। फिर लास्ट का 33 उतार लेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 से मल्टीप्लाई करा था हमने तो 3 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2886। अब इसके आगे आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 865589। अब इसे हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाएगा 21844। फ्रेंड्स सारे पेयर हमारे ख़त्म हो गए हैं, इसका ये क्या आया हमारा 1.4433। देखिए फ्रेंड लास्ट का ये 3 बचा है, 5 से कम है तो इसका राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो क्या बच जाएगा 1.443 रहेगा और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।